पुनाना से कांग्रेस के मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे जावेद खान ने ज्वाइन की जेजेपी पार्टी। अनेक समर्थकों सहित जावेद खान का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया जेजेपी पार्टी में स्वागत। आपको बता दें कि आज जिला मेवात में जजपा पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दिन रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता व मौजूदा पुनाना विधायक मोहम्मद इलियास के पुत्र एडवोकेट जावेद खान अपने समर्थकों सहित जेजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली फार्म हाउस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पार्टी झंडा और पटका देकर जेजेपी में उनकी ज्वाइनिंग कराई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनके आने से पार्टी को मेवात में मजबूती मिलेगी, पार्टी में उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। अनेक समर्थकों सहित जावेद खान ने जेजेपी में आस्था जताते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ये आश्वासन दिया है कि पार्टी की मजबूती के लिए वो निरंतर लोगों के बीच जाकर जेजेपी पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे। इस मौके पर नूह राष्ट्रीय प्रचार सचिव विद्यालय धनखड़, जेजेपी जिला अध्यक्ष इकबाल जेलदार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनेश गुजर इत्यादि जेजेपी के नेता शामिल रहे। वहीं एडवोकेट जेजेपी प्रवक्ता एडवोकेट राहुल जैन ने कहा कि निरंतर मेवात में जेजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, आगे भी जेजेपी में शामिल होने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मेवात सहित हरियाणा के कोने कोने के विकास के लिए जो बढ़िया व जन कल्याणकारी नीतियां बनाई उनमें आम लोग बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबरें रोजाना देखना ना भूलें सिर्फ मेवात सिटी न्यूज पर। लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा। और पीछे हो थोड़ा सा भाई साहब, भाई साहब हो गया, हो गया।